छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे भाजपा सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कर्नाटक सरकार को लिखे हुए कारपुलिंग के संबंध में अपने चर्चित पत्र के बारे में कहा कि बेंगलुरु दूसरे मेट्रो सिटी की तरह यातायात की समस्याओं से जूझ रहा है। योजना बनाने वालों का ध्येय यह होना चाहिए कि निजी वाहनों को प्रोत्साहित करें और जहां तक संभव हो सार्वजनिक वाहनों को प्रोत्साहित करें। कारपुलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें एक ही दिशा में जाने वाले कई लोग एक ही वाहन का उपयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं और अपने खर्चे को आपस में बांट देते हैं, जिससे शहर की भीड़भाड़ खासतौर पर पीक समय में कम करने में मदद मिलती है। राज्य सरकार को सार्वजनिक वाहनों को उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार निजी वाहनों को शेयर करने पर 10,000 तक का जुर्माना लगा रही है। यह एक समाज को पीछे ले जाने वाली सोच है जिससे शहर के ट्रैफिक जाम और बढ़ेंगे। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और ऐसे नियम बनाए जिससे बेंगलुरु की जनता का जीवन और सरल हो सके। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि जो आदमी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर चल रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी करके उसको हिंदी में क्या बोलते हैं महिमा मंडित नहीं करना चाहता। And decongesting. However, in Karnataka, the transport department is penalizing people for using car pooling. It is planning to enforce it in such a manner that if people start using car pooling, they will be fined 10,000. This is not only regressive thinking, but is going to contribute to more traffic jams. I demand the state government to relook at these policy propositions that they have made and make such rules that is going to make the life and commute of a Bengaluruian much easier. NBC News के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।